स्वागत है। और हमारे साथ आज फिर से एक और बार जुड़ चुके हैं डॉक्टर राकेश बहल। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल सर, वही बात करते हैं, आज शुरुआत जो है हम मास्क से करना चाहेंगे, क्योंकि मास्क को लेकर बहुत से लोग जो है जैसे सर्जिकल मास्क की बात करते हैं या N95 की बात करते हैं, क्या उन मास्क को हमें हम ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि सर्जिकल मास्क का तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वन टाइम यूजेबल है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल जान चुके हैं, लेकिन N95 की बात करते हैं, क्या उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं? और अगर रीयूज़ कर रहे हैं, किन कंडीशंस में कर रहे हैं? क्या स्पेसिफिकली अगर हम हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं या ऐसी जगहों का कर रहे हैं जहाँ पे संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हैं? जी, जहाँ पे संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हैं जी, ऐसा मैं बता दूँ, N95 हो या सर्जिकल मास्क हो, वो वन टाइम यूज़ के लिए ही बने हैं जी। सर्जिकल मास्क तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, N95 में थोड़ा कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है जी। और मैंने खुद भी देखा है कई लोगों को उसका रीयूज़ करते हैं जी। जैसे देखा है कि किसी ने 3 या 4 रख रखे हैं, वो एक मास्क यूज़ किया, घर जाके उसको धूप में टांग दिया, नेक्स्ट डे दूसरा यूज़ कर लिया जी। फिर उसको टांग के तीसरा यूज़ कर, उसे नियरली एक एक मास्क को मैंने देखा लोग 3-3 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं जी। ऐसा सच ये एडवाइजेबल नहीं है, पर जो लोग लगता है उनको कि हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, हमें एक्सपोजर कम है, उनमें भी मैंने ये करते देखा है, पर ऐसा चीज़ रिकमेंडेड नहीं है जी। ऐसे जो हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं वहाँ तो वन टाइम यूज़ ही है, नो अदर ऑप्शन इज देयर, तो बाहर उसके अलावा लोगों को इस्तेमाल करते देखा है जी। और ये ऐसा हमारी रिकमेंडेशंस पे नहीं आता, नहीं आता। वही कॉटन के मास्क की बात करते हैं, डबल मास्किंग कर रहे हैं, ये तो है कि जो सर्जिकल मास्क आपने नीचे पहना है जी, उसे तो वन टाइम यूज़ करके उसे You have to throw it. You have to discard it properly. Exactly. Not throw it, discard it properly in a dustbin. Not necessarily. बिल्कुल। तो वही कॉटन का जो मास्क है उसे हम वॉश करके यूज कर सकते हैं, या चार पांच मास्क हमारे पास हो, अगर एक दिन एक लगाया है दूसरा पहन रहे उसे पहले धो दीजिए, फिर तीसरा जब पहन रहे एक दिन में एक नहीं, एक बार में एक लगाया, सपोज आप बाजार गए, आधे घंटे में वापस आ गए, मास्क लगा के गए थे, घर आके आपने उतारा जी, फिर उसको दोबारा नहीं पहनेंगे, उसको वॉश करने के लिए ही डालिए, क्योंकि बाहर जाने का मतलब है आपने मास्क को पोटेंशियली कंटेमिनेट कर लिया जी। अब वो घर आ गया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फैब्रिक का मास्क है उसको वॉश किया जा सकता है, इसलिए इसको स्ट्रेट वे डिटर्जेंट में डाल देना चाहिए जी। जब तक ये वॉश होके बाहर नहीं आता दोबारा यूज नहीं होगा। इसी तरह दिन में जितनी बार भी आप बाहर जाना पड़ता है, वैसा मिनिमल जाना है, किसी को ऑक्यूपेशनली या किसी रीजन से जाना पड़ता है, जब भी बाहर गए फ्रेश मास्क पहनेंगे और आते ही डिस्कार्ड करेंगे, इसको वॉश करने के लिए रखेंगे जी। सर वही कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, पहला सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए। मैंने पाकिस्तान से बात कर रही हूं जी। जी सवाल बोलिए सर अपना। डॉक्टर से कुछ पूछना। जी हाँ बताइए। हेलो जी, सवाल पूछिए सर अपना। हाँ जी सर, आपका सवाल क्या वो बताइए। सवाल बताओ जी, आपको बताओ जी। सर सुन रहे हैं आप, बताइए सर, सुन रहे हैं आपका सवाल। सवाल ये है, मेरे को दिल की तकलीफ है, मैंने एक वैक्सीन कराई जी। हेलो हाँ हाँ सुन लिया, आगे बताइए। एक वैक्सीन कराई, दूसरे को डॉक्टर से सलाह लेना चाह रहा है, उसके लिए क्या कह रहा है वैक्सीन के लिए, दूसरी वैक्सीन के लिए? जब आपने एक वैक्सीन लगाई है तो दूसरी भी लगानी है, और पहले 3 तारीख को लगाई थी, 1 तारीख इसी महीने की, इस महीने की, ठीक है। अब आपको उसके 12 हफ्ते के बाद दूसरा वैक्सीन लगेगा, इसका मतलब है आपको कोई आपको जुलाई महीने की कोई 24 या 25 तारीख को, जुलाई महीने में 24 या 25 तारीख को, 3 तारीख को मैंने एक वैक्सीन का डोज लगाया था। हाँ, अब उसके 12 हफ्ते के बाद आपको दूसरा वैक्सीन लगना है। मुझे दम की तकलीफ है काफी देर से, 10 साल से दम की तकलीफ है, तो मैं दूसरी वैक्सीन लगाऊं ना लगाऊं आपसे सलाह करना चाहता हूं। दूसरी वैक्सीन आपको लगेगी, वो लगानी है 12 हफ्ते के बाद। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल, जैसे इनका सवाल है कि पहला डोज ले लिया है। देखिए सर, ये लाजमी है, अगर आपने पहला डोज ले लिया है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कुछ आपको ऐसा लग नहीं रहा, जैसे कह रहे हैं ये दिक्कत भी है, तो दूसरे डोज के लिए इनको आवश्यक जाना ही जाना सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि
अगर अकेला एक लगा है, दूसरा नहीं लगा, तो पहले वाले का भी जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो नहीं आ पाएगा। इस वैक्सीन के रेजिमेन में है कि ये दो लगने हैं और इनके बीच में अब जो इंटरवल है वो 12 हफ्ते का है, 12 हफ्ते मतलब 84 दिन जी। तो उतने इंटरवल के बाद दूसरा लगाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक पर्टिकुलर नाम वाला वैक्सीन लगा है, दूसरी डोज भी उसी नाम की लगेगी। बिल्कुल सर, वही सवाल ले लेते हैं एक और। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, सवाल यही है, जो पहले वैक्सीन लगाया जी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेलो जी सर, बोलिए और अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। हाँ जी हेलो 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 जी, सवाल बोलिए, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, जो पहला मतलब एक टाइम वैक्सीन लगाया मार्च में जी। हेलो हाँ, आगे बोलिए, आगे बोलिए। उसने बोला उस टाइम 28 दिन के और दूसरा डालना, दूसरा लगाना वैक्सीन जी। हम गया 28 दिन के बाद, उसने बोला 40 दिन के बाद लगा, 40 दिन के बाद गया, उसने बोला 2 महीने के बाद जी। 2 महीने के बाद गया, हम बोला उसने 3 महीने के बाद, ये क्या मसला है? इसी वजह से यही सवाल है। हाँ, यही बताना चाहते हैं कि जब आपको पहली बार वैक्सीन लगा ना मार्च के महीने में, अच्छा जी, तब हमारी गाइडलाइन में था कि हम 28 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन लगाएंगे। अच्छा जी। मगर साथ साथ में हमारी जो खोज चल रही होती है या जिसको रिसर्च बोलते हैं, वो भी तो चल रही है। उसमें हमने पाया, अच्छा, उसमें ये पाया गया कि अगर हम ये बात कोई दिक्कत मत, ये मतलब हम पहले 28 दिन का इंतजार कर रहा है, दोबारा हम 40 दिन का इंतजार कर रहा है। मैं वही बताना चाहता हूँ, तीसरा दिन मतलब वो बोल रहे हैं 3 महीने के बाद, ये बोलता है कोई दिक्कत मत पड़ता। आप ही बोला मतलब जिस टाइम पहले लगाया बोला मतलब वो 28 दिन के बाद। मैं वही बताना चाहता हूँ, साथ साथ हमको ये पता चले जा रहा है कि अगर हम इसका फासला बढ़ाते हैं पहली और दूसरी खुराक में, उसमें असर पहले से ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए पहले हमने 40 दिन पे किया, फिर 2 महीने पे किया, और अब हमने ये पाया है कि अगर हम 3 महीने का फासला रखते हैं, 3 महीने का 12 हफ्ते। जो मतलब शुगर का या ब्लड प्रेशर का पेशेंट घर में है जी, और थायराइड का भी है, 3 मतलब बीमारी है उसके अंदर, ये है मतलब कोई लगाएगा उसको वैक्सीन, मतलब उसको ठीक? बिल्कुल लगाएगा, उनको वैक्सीन की जरूरत है और उनको वैक्सीन लगाना चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। और ये मतलब उसको 3 बीमारी है, कोई बात नहीं, वैक्सीन लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। और जो 12 हफ्ते का फासला बढ़ाया है, इससे आपको वैक्सीन का फायदा ज्यादा होगा, इसलिए बढ़ाया जी। हाँ, इसका फायदा ज्यादा होगा इसलिए फासला बढ़ाया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से वैक्सीनेशन के फासले को लेकर काफ़ी सवाल है, और आप बार-बार ये बताते भी रहते हैं कि इफिशेंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो देखने को मिली जी, इसीलिए जो है इसका समय और एक्सटेंड कर दिया गया। और सर वहीं पे ये सवाल भी उठता है कि डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, या कोई भी विभाग इस समय जो 24 घंटे लगा हुआ है सेवा में, उसके लिए भी नई जो बीमारी है ये नई थी, इसमें डेली एक अपडेट आ रहा है, डेली रिसर्च चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी गाइडलाइंस भी बदल सकती हैं आने वाले दिनों। बिल्कुल बदलेंगी। देखिए, हर बीमारी, जितनी भी बीमारियां हैं अभी तक नोन जी, उन सब में सेंचुरी से रिसर्च चल रही है जी। जो चीज़ आज से 50 साल पहले लेटेस्ट थी वो आज आउटडेटेड है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम उसके ऊपर चल रहे हैं। हर बीमारी के बारे में कोई ना कोई रिसर्च चल रही होती है और हम आगे आगे चलते हैं, जो बेटर मिलता है उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बीमारी जो है अभी 1.5 साल पुरानी है और इसके बारे में पूरी दुनिया में जो नॉलेज है पिछले साल से जीरो थी, जीरो से होते होते आगे आ रहा है, वो डे बाई डे डिफरेंट पॉपुलेशंस में किसी न किसी तरह की स्टडी कंडक्ट हो रही है, कोई वैक्सीन पे, कोई ड्रग्स पे, कोई डिजीज के कोर्स पे, कुछ ना कुछ चले जा रहा है। और नई नई जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे जो है रिवाइज्ड गाइडलाइंस बनती है, तभी बार बार चेंज हो रही है, या चेंज नहीं कहेंगे मॉडिफाई हो रही है, जहाँ जहाँ कुछ बेटर मिलता है वो ऐड किया जा रहा है, जिसमें लगता है कि फायदा कम है मरीज के लिए उसको निकाल दिया जाता है, जिसमें हमें लगता है कि मरीज के लिए या हेल्दी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन के लिए कोई एडवांटेज मिल सकती है नई फाइंडिंग से, वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, अपना सवाल बोलिए जी। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है।
जी जी हेलो हाँ बताइए हेलो जी हाँ बताइए जी अपना सवाल बोलिए सर जी आज पेपर में जो वैक्सीन करते हैं उनकी डेथ हो जाती है क्या सही है गलत है बताइए आप डॉक्टर साहब से बोलिए जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है वैक्सीन लगाने से हमें इस वैक्सीन लगाने से हमको बीमारी के खिलाफ एक ताकत मिलती है तो डेथ वाली बात तो इसमें है ही नहीं जी आज पेपर में निकला है मोबाइल पे भी आया है कि जो वैक्सीन करेगा उसकी डेथ हो जाएगी जी नहीं वो अफवाहें हैं उसकी साइंटिफिक ग्राउंड कोई नहीं है जी हाँ वो अफवाह है मोबाइल पे भी मैसेजेस आ रहे हैं पेपर में नहीं देना चाहिए जी कौन से अभी पेपर तक, कौन से हाँ, पेपर में पढ़ा सर आपने ये हेलो ओके जी थैंक यू देखिए पेपर पे तो ऐसे ऑफिशियली कोई डाल नहीं सकता हाँ ये जरूर कह सकते हैं अगर सोशल मीडिया पे जैसे सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस दिखते हैं प्रिस्क्रिप्शंस दिखते हैं कुछ मैसेजेस ऐसे हमने देखे हैं बिल्कुल वो उनको हम अफवाह ही कहेंगे उसकी साइंटिफिक बेयरिंग कोई नहीं है अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं बिल्कुल सर और वही बात करते हैं बच्चों को लेकर जैसे तीसरी लहर के लिए एक बताया जा रहा है जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों के लिए काफी घातक है अगर बच्चों में कोई माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं कोविड के क्या करना चाहिए उसे देखिए माइल्ड सिम्टम भी यानी कि बुखार खांसी या जुकाम या सांसने में कोई भी मुश्किल हो किसी में भी हो बच्चे हों या बड़े हों हमको सबसे पहले यही शक करना है कि कोविड तो नहीं है और उसके लिए सबसे पहले हमको कोविड टेस्ट करवाना है जैसे आज किसी को महसूस है तो सुबह जाके कोविड टेस्ट करवाना है ऑब्जर्विंग ऑल प्रिकॉशंस मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाना है राइट प्लेस पे वहाँ जाके टेस्ट करवाना है और जब तक रिपोर्ट नहीं आती प्रिज्यूम करना है कि ये बच्चा या बड़े जो भी है वो एक पॉजिटिव हो सकते हैं और बाकियों से घर के बाकी लोगों से उनको अलग आइसोलेट करके अलग कमरे में रखा जाए रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है ठीक है सपोज रैपिड टेस्ट किया रिपोर्ट नेगेटिव आई है डॉक्टर को बताइए वो हो सकता है फिर दूसरे वाला टेस्ट भी एडवाइस करें ठीक है जब तक फाइनल ना हो जाए कि नेगेटिव है उनका प्रिज्यूम करना है कि ये पॉजिटिव है अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा और आइसोलेशन में रहना जो बाकी घर के लोग हैं उनके लिए सारे प्रिकॉशन एज सच ऑब्जर्व करने अगर तो पॉजिटिव आ गया तो भी ठीक है सेम ट्रीटमेंट रहेगा और नेगेटिव में भी टेस्ट रिपीट किया जाए तो वो डिपेंड करता है ट्रीटिंग फिजिशियन पे और अभी तक के हिसाब से चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं सिम्टम्स रही रहेंगे और जो प्रोसीजर है उसके बाद आइसोलेशन का ट्रीटमेंट का वो वही रहेगा वो सेम रहेगा चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो बिल्कुल प्रिकॉशंस उनको वही बरतने वही रहेंगे बिल्कुल सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं हेलो हेलो जी अपना सवाल बोलिए सर जी मैं साबिर बोल रहा हूँ श्रीनगर से जी जी बताइए जी सर अपना सवाल बोलिए जी ये सवाल एक मंथ हो गया मदर को मैंने ये कोविड वैक्सीन करवाया था जी उनकी आरंभ में अभी भी काफी तो ये वैक्सीन की वजह से मत हो गया क्या है सोजिश है या दर्द है उनकी बाजू में क्या है उनकी बाजू में क्या हो रहा है जी बाजू में वो उठा नहीं पा रहे हैं ऊपर बाजू अप एंड डाउन नहीं कर पा रहे हैं काफी मैंने मालिश वाली भी जी नहीं हो रहे हैं उनकी मूवमेंट टच ही नहीं हो रही है टच नहीं हो रही है काफी फिर तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाइए हो सके कोई और कारण भी हो मगर एक बार दिखाना जरूर चाहिए इसको अंदाजे पे ट्रीट ना करिए कल जरूर किसी को जरूर कंसल्ट करिए डॉक्टर तो हम वरीड हो गए उस बारे में कहा पता क्या है वैक्सीन की वजह से मत हो गया काफी एक मंथ होने लगा नहीं जरूरी नहीं है कि वैक्सीन के कारण हो कोई और भी कारण हो सकता है तो एक महीना हो गया वैक्सीन के कारण नहीं होगा कोई और कारण होगा जी जी तो हमें फिजिशियन कंसल्ट करना है कि ऑर्थोपेडिक फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन आप किसी को भी कंसल्ट कर सकते हैं दे विल बी एबल टू हेल्प यू थैंक यू मोस्ट वेलकम बिल्कुल जिस तरीके से बात कर रहे थे प्रिकॉशंस को लेकर तो बच्चे हो या बड़े हो दोनों को एहतियात उतने ही बरतने हैं वही इन केस अगर बात करते हैं कोई 12 साल का छोटा बच्चा इस कोविड के पैंडेमिक में आ जाता है जो कि देखने को भी मिल रहा है कि छोटी उम्र में भी कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन फैलता हुआ नजर आ रहा है उस केस में मोस्टली जो बच्चे हैं वो अवॉइड करते हैं मास्क पहनना क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है उस केस में क्या कह सकते हैं कि घर का कोई व्यक्ति उनके साथ 24 आवर्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए 12 साल की उम्र के नीचे जो भी बच्चे होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे जी तो उन्हें पता नहीं है कि गाइडलाइंस कितनी स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करनी है पहली बात तो है कि उनको अगर घर में अगर होम आइसोलेशन पे है उनको तो अलग कमरे में रखना है जी।
जैसे आप कह रहे हैं कि छोटा बच्चा है, 12 साल का बच्चा फिर भी समझ सकता है, जो और भी छोटे हैं उनके लिए मुश्किल है। और उसमें मोस्टली देखा गया कि मदर साथ में रहती हैं और दोनों को बड़े स्ट्रिक्टली प्रिकॉशन ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है पर मदर तो नेगेटिव है, मदर को तो एब्सोल्यूट जो प्रिकॉशंस है लेने पड़ेंगे और जितना हो सके बच्चे से डिस्टेंस बना के भी रखें, कमरे की वेंटिलेशन भी मेंटेन करें और वहाँ की सैनिटाइजेशन भी मेंटेन करें, क्योंकि जो मदर को साथ में रहना पड़ता है उनके एक्सपोज होने का रिस्क बहुत हाई है। तो एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन उनको कई बार ट्रीटमेंट डाल भी दिया जाता है साथ में ही कि देयर शी इज लाइकली टू गेट एक्सपोज, तो मैंने कई बार देखा उनको भी ट्रीटमेंट डाल दिया जाता है प्रिज्यूमिंग कि आज नहीं तो कल इनका एक्सपोजर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो भी सकते हैं। तो चांस ना लेते हुए हमने कई बार देखा कि उनको ट्रीटमेंट पे भी डाल दिया जाता है इन एंटीसिपेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने एक सवाल ले लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हो छोटे या बड़े हो प्रिकॉशन सेम लेने हैं, एहतियात सेम बरतने हैं, ऐसा नहीं है कि चलिए छोटा बच्चा है तो माइल्ड सिम्टम्स है इसके तो इंतज़ार करते हैं, क्या सीजनल जो इन्फेक्शन या सीजनल चेंजेस जो है ऐसा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रिजम्पशन नहीं, कोई सेल्फ डायग्नोसिस नहीं। इस टाइम किसी को भी बुखार हो, खांसी जुकाम हो, ये माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी और चीज़ के, मगर कोविड के भी हो सकते हैं। और अब हम सबसे पहली कंडीशन इस माइल्ड कंडीशन में कोविड को ही रखते हैं, अनलेस एंड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। तो उसी को माइंड में रखते हुए प्रिकॉशन वही लेने हैं बच्चे के लिए भी और बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि जो रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द पेशेंट टू द अदर्स वो तो रहेगा। तो हम खाली पेशेंट का ही नहीं सोचना, जो बाकी हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं घर के जो ससेप्टिबल है कि हम उसको यही प्रिज्यूम करें और जल्दी से जल्दी उनका कोविड टेस्ट हो और उनको ट्रीटमेंट पर डाला जाए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए अपना। जी बोलिए। हेलो मैम, मैं रजौरी से बोल रहा हूँ, इब्रार अरंगीर। जी सवाल बोलिए सर अपना। मैम ऐसी चक्री है कि हमारे जो फादर थे उनको इन्फेक्शन हो गई थी इंजेक्शन के बाद में, जी बाजू में जहाँ पे इंजेक्शन किया था ना, इंजेक्शन लगवाया था वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है। तो उसका इलाज चल रहा है? हेलो, उसका इलाज चल रहा है? हाँ इलाज चल रहा है। जी हाँ, तो आगे बताइए। हेलो हाँ, आगे आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। बोलिए मैम, उसका क्या हम क्या करें मैम, डॉक्टर को बताएं क्या करें मैम, डॉक्टर को तो हमने बताया वो बोल रहे हैं तो इसी की ये इन्फेक्शन हो गई है तो आप इसका लड़के आप इनको जम्मू ले जाना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने जम्मू का लिस्ट बोला है, फिर तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने रेफर कर दिया है तो फिर आपको जम्मू ले आना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, वहाँ एमरजेंसी में दिखाएंगे आप, मेडिकल कॉलेज में एमरजेंसी में आप दिखाएंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रिकॉशंस की बात चल रही है, वैक्सीनेशन की बात चल रही है, वही इस समय वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि काफ़ी सारे प्रिकॉशंस के साथ साथ वैक्सीनेशन जो है मोस्ट प्रायोरिटी पे है कि जितने लोग वैक्सीनेशन हो सके उतनी वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल। तो बहुतों की ये भी सवाल है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए? एक तो यह है कि प्रेग्नेंट लेडीज पे हम वैक्सीन अभी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हम सभी में रिकमेंड कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं मेडिकल कंडीशंस जिनमें वैक्सीन या तो नहीं दिया जा सकता या फिर पोस्टपोन करना पड़ता है किसी न किसी कंडीशन पे। जैसे कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी ऐसा सच बड़ी लो है जी। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं या कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन उनको चल रही होती हैं कुछ कंडीशंस में, ऑफकोर्स ये कंडीशन बहुत कॉमन नहीं होती, जिसमें उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे उनके शरीर की जो इम्यूनिटी है थोड़ी लो हो जी। तो ऐसे पेशेंट्स में फॉर द टाइम बीइंग कई बार पोस्टपोन कर दिया जाता है वैक्सीन लगाना। कुछ कंडीशंस होती है बड़ी रेयरली, वो ऑन द स्पॉट जो डॉक्टर अवेलेबल है वही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल है जो भी वैक्सीन के लिए जा रहा है उनको अपना मेडिकल रिकॉर्ड साथ ले जाना चाहिए जी। उससे सब क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि कई बार अंदाजे से बताना वो सामने वाले को समझाना मुश्किल, अगर अपने डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं या मेडिसिन ही साथ ले जाए कि हमको ये मेडिसिन चल रही है तो वहाँ, क्योंकि जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, उन्हीं की ऑब्जर्वेशन में हो रही है एंड दे आर द राइट पर्सन टू डिसाइड एट दैट पॉइंट कि इस पेशेंट को वैक्सीन आज लगना है या कुछ दिन के बाद लगना है या नहीं लगना जी।
तो वो वहीं पे डिसाइड होना चाहिए, घर में बैठ के किसी को डिसाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें देखना है कि हर बेनिफिशियरी को जो वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है मैक्सिमम पॉसिबल अवेल की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। जी हम श्रीनगर से बोल रहे हैं मैम। जी हमारा क्वेश्चन है कि जो ये कुछ दिन पहले सर्कुलेट हो रहा है न्यूज फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कि विद इन टू ईयर जो भी कोविड 19 वैक्सीनेटेड पीपल है दे विल डाई विद इन टू ईयर्स। मैम इससे क्या हो रहा है कि साइकोलॉजिकली बहुत सारे जो हमारे अपने घर पे फैमिली मेंबर्स से ये इफेक्ट हो रहे हैं, आप बोलिए डॉक्टर साहब से कि ये किस हद तक सच है और इसमें गवर्नमेंट को कोई तो एक्शन लेना चाहिए जो भी ये रूमर्स ये कर रहे हैं जी, जी, कर रहे हैं जी, ये किस हद तक सच है क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है मैम। अभी तक हम इसको एक अफवाह मान रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही और कोई भी साइंटिफिक बेसिस पे या किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसको अप्रूव नहीं किया। आप इसको एक अफवाह मान के चलिए और वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने भी वैक्सीन लगवाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो है अफवाह ये किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल जैसे इनका सवाल है ये मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा और बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि जो वैक्सीनेशन करवाएंगे विद इन टू ईयर्स में ऐसा हो जाएगा। देखिए वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे मिल रही है जो इसके खिलाफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल जम्मू कश्मीर के वैक्सीनेट करवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के नहीं कंट्री में देखते हैं और हमारे कंट्री के बाकी कंट्रीज के भी बिल्कुल पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। और ये जो सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट एट द सेम टाइम द इंफॉर्मेशन इज ऑफ टू टाइप्स, डिपेंडेबल एंड नॉन डिपेंडेबल। और हमको ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रेस नहीं किया जाता। और सेकंडली कंप्यूटर के ट्रिक्स इतने हैं कि जिस तरह से कई चीज़ें ऐसी बना के डाल दी जाती हैं इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि सच है झूठ है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हमेशा जैसे इन्होंने अभी अपना डाउट हम लोगों से पूछा, इसी तरह अपने जो भी डाउट ऐसा है क्लेरिफाई कर लेना चाहिए बिफोर ट्रस्टिंग दीज थिंग्स। मोस्टली जो भी ट्रस्ट फॉर दी चीज़ें वही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशूड गाइडलाइंस हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इश्यू होती हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या G&K से, बस यही गाइडलाइंस मानने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना। सोशल मीडिया अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का मगर सारी इंफॉर्मेशन ब्लीक करने के लिए नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं अच्छे से तंदुरुस्त है, वहाँ पे ये भी बोला जा रहा है अब कोविड का कोई ख़तरा नहीं है जी। तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे आज पिछले 24 घंटे की बात करते हैं एक डाउनफॉल जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस में देखने को मिला जो कि बहुत ही बेहतरीन खबर है। इसी पर अगर बात करते हैं जैसे अभी भी बहुत सारे लोग जो है उतना बारीकी से इस महामारी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये मैसेज रहेगा कि ये जो बीमारी है COVID-19 ये नई बीमारी है जी। और कुछ परसेंट जैसे 100 में से कह सकते हैं कि 5 या 6% लोगों को ज़्यादा तंग करती है, 80-85% को तो कुछ भी नहीं पता चलता। मगर ये मान लेना बड़ा मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस 80-85% में आएगा या बाकी 15% में आएगा जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसलिए प्रिकॉशन सबसे पहले लेने, ये ना सोचें कि 80% लोगों तो कुछ होता नहीं हमें डरने की बात नहीं है, पर पता 15% में हम आएंगे कि नहीं आएंगे हमें नहीं मालूम, या अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे कि नहीं। उसके लिए एक ही बचाव है जो प्रिकॉशंस 3-4 तो प्रिकॉशंस हैं और उन्हीं को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है। मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और बिना रीज़न के घर से बाहर नहीं निकलना, ये सबसे बड़ा स्टेप है जी। जो लॉकडाउन कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है और कोई भी सरकार खुशी से नहीं लगाती, मजबूरी में लगाना पड़ता है सबकी जान बचाने के लिए। बिल्कुल, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा बचाव है जी। तो बाकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव डे बाई डे हो रही है, जो भी पॉपुलेशन है डे बाई डे जितने भी लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है
वैक्सीनेटेड लोगों की प्रोपोर्शन बढ़ रही है और अनवैक्सीनेटेड लोगों की प्रोपोर्शन धीरे धीरे कम हो रही है। और एक टाइम आएगा कि जो वैक्सीनेटेड लोगों की जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो एक हेल्दी पॉपुलेशन बनेगी। और उसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, टेक्निकल टर्म है। उससे क्या हो जाता है कि बीमारी का पॉपुलेशन में फैलना जो होता है ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उससे सभी को प्रोटेक्शन मिलती है। पर वो स्टेज आने में भी टाइम लगेगा, वो तभी रहोगे जब हम रेगुलरली अपने सारे प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करें और वैक्सीनेशन पे विश्वास करके वैक्सीनेशन लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं सर। हेलो जी, अपने सवाल बोलिए मैम। जी मुझे ये कहना था कि मेरी मामा ने वैक्सीन करवाया था जी एक हफ्ते पहले जी। तो हेलो जी, हाँ बताइए। हेलो, बिल्कुल अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए मैम, अपना सवाल बोलिए आगे। हेलो, मेरी माम ने एक हफ्ते पहले वैक्सीन करवाया था जी। तो उनको डायबिटीज है, लेकिन उनको हो गई है कमर में प्रॉब्लम, उसमें कुछ ये वैक्सीन की वजह से हो गया कि ऐसे? नहीं, वैक्सीन से कमर में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, किसी और कारण से कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, वैक्सीन के कारण नहीं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है वैक्सीन के कारण नहीं हो रही। जैसे इनका सवाल है कि वैक्सीनेशन करवाई है, बैक में जो पेन है वो होता हुआ, क्या ऐसा कोई, क्योंकि फीवर का तो नॉर्मली सब कहते हैं जब इफेक्ट करती है वैक्सीन तो एक अच्छा साइन देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन के बाद थोड़े से पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफेक्ट्स नहीं है, अदर जैसे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीनेशन के। जैसे वैक्सीन शरीर में जाके अपना काम शुरू करता है तो हल्का सा बुखार एक्सपेक्टेड है, जब बुखार होगा तो सर्दी भी लग सकती है, शरीर में दर्दें भी हो सकती हैं। किसी इंडिविजुअल को हो सकता है एक या दो घंटे के लिए महसूस हो, किसी को हो सकता है दो तीन दिन के लिए तंग करे, वो वेरी करता है। किसी में हल्का सा बुखार हो सकता है किसी में 100-200-203 तक भी जाए, ये पाया जाता है। और खाली कोविड वैक्सीनेशन नहीं, इवन जो हम टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन भी लगाते हैं, हम जो चोट लगने के बाद लगाते हैं, कहीं को उसके बाद भी हो जाता है। दूसरा, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया होता है वहाँ दर्द रहती है थोड़ी देर के लिए, कभी कभी सूजन हो सकती है। और ये सब जो साइंस हैं बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वैक्सीन ने शरीर में जाके अपना काम शुरू कर दिया जी। सर, किसी केस में महसूस ज्यादा होता है, किसी केस में महसूस कम होता है, मगर वो अपना काम कर रहा है अंदर जाके। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो मैडम जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी मैडम, मेरे से एक सवाल है। मैंने बोला था मैं वैक्सीन करूंगा, मगर मुझे घर वाले कहते हैं वैक्सीन मत करो, इससे मर जाओगे। नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू की अफवाहें सोशल मीडिया में आई हैं। आप तो पूरा विश्वास करिए वैक्सीन पे, वैक्सीन सेफ है, इफ़ेक्टिव है, और जितनों ने भी अभी लगाया है उन सभी को इसका फ़ायदा हो रहा है। कोई डर ना रखिए माइंड में, आप आराम से वैक्सीन लगवाइए और बाकियों को भी बोलिए कि लगवाएं, कोई डरने की बात नहीं है। वो जो एक र्यूमर सा चल रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह में, उस पर ध्यान ना दीजिए। बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर जो है काफ़ी रूमर्स भी फैल रहे हैं, जिस पे हम ये कह सकते हैं बिल्कुल इसे नज़रअंदाज करिए और जितना हो सके वैक्सीनेशन के लिए जाइए और अपने आप को, ना सिर्फ अपने आप को और अपने परिजन जितने भी हैं उन्हें भी इस इन्फेक्शन से बचाने का काम करिए। तो वही अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। Level 1 and Level 2 beds, 2,639 are occupied.
regards to oxygen availability over the period of next 24 hours, a minimum of 1,02,658 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 18,316 people in the 45 years and above age group were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated to 31,45,639 across the whole UT. In the 45 years and above age category, 67.72% people have been vaccinated. Finally, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available through the eCGP portal. Live call-in program Cove Talk is running on Gulistan channel from 8:30 PM to 9:30 PM. And doctors speak on DD Kashyap from 8:15 AM to 9 AM and 8:30 PM to 9:30 PM. And finally, doctor on radio on AIR Srinagar from 3 PM to 3:30 PM. And lastly, emergency ambulance services are available through the 108 call center. Thank you. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल जिस तरीके से बातचीत जो है वो चल रही थी, वही एक सवाल ये भी है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स की बात करते हैं, क्या वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं, अगर उनकी कंडीशन ठीक है और उनको कोई ऐसे ड्रग्स नहीं चल रहे जो बॉडी की इम्यूनिटी लो करते हैं तो ले सकते हैं। तो अपना मेडिकल रिकॉर्ड लेके जाएं वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जी और वहाँ बता दें, तो दैट डिसीजन विल बी टेकन ऑन द स्पॉट। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन करा सकते हैं, इन केस अगर लगता है मेडिसिन कोई ऐसी ले रहे हैं तो अपना प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके जाएंगे, साथ लेके जाएं तो द डिसीजन कैन बी टेकन। अपने घर पे ये ना सोचें कि हमें नहीं लग सकता, जरूर लगेगा। जी जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, इस समय वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत चल रही है, तो वही बात करते हैं डाइट को लेकर। डाइट को लेकर इस समय बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अगर अहम बात करें सर, इस समय जो हमारा मेंटल पीस है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जैसे कॉलर्स भी वहाँ से बोल रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर इतने र्यूमर्स फैल रहे हैं, आप जानते हैं फंगस में भी जब वैरायटी ऑफ देखा गया जो कि नया नहीं था, पहले से ही था, उसको लेकर माहौल बना है। इस समय घर का मेंटल पीस बनाना कितना ज़रूरी है, बच्चे भी घरों में हैं, बुजुर्ग भी घरों में हैं, इवन पेशेंट भी घरों में ही है, तो अगर हम इस प्रकार के माहौल में और नेगेटिविटी डालेंगे वो कितना घातक हो सकता है, और किस प्रकार का माहौल इस समय घरों में होना चाहिए? माहौल जितनी हद तक हो सके एक खुशनुमा सा माहौल होना चाहिए, क्योंकि देखिए बीमारी 1.5 साल से चल रही है और पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए जब से लोगों को रिस्ट्रिक्शंस में जीना पड़ रहा है जी। बीच में कभी कभी लॉकडाउन भी, दूसरी बार हमको लॉकडाउन भी देखना पड़ रहा है, आप घर से बाहर नहीं जा रहे, वही एक बंद एनवायरनमेंट में है, इसका भी मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी जो आउटिंग थी खत्म हो गई, उनका अपने फ्रेंड्स का खेलना बंद हो गया, उनकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है स्कूल में जाके अपने पीयर ग्रुप में अपने बराबर के बच्चों में रहने से जो अलग तरीके की बच्चे वाली जो ग्रूमिंग होती है वो भी बंद हो गई, वो भी 24 घंटे एडल्ट्स के साथ हैं, तो एक उनकी पर्सनैलिटी में भी फर्क पड़ रहा है, जो बड़े बातें कर रहे हैं उनको ज़्यादा सुननी पड़ रही हैं जी। तो जैसे आजकल नेगेटिविटी की खबरें ज़्यादा रहती हैं इस पेंडेमिक को लेकर, उनको खाल बेसिक जो प्रिकॉशंस के अलावा और कुछ ना ज़्यादा बताया जाए, और इस तरह की न्यूज़ भी कम से कम देखी जाए, कि कई न्यूज़ चैनल्स पे 24 घंटे न्यूज़ चलती हैं और एक ही टॉपिक पे ज़्यादा चल रही होती है, दैट शुड आल्सो बी अवॉइडेड, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इनटू द माइंड, अपने आप एक जस्ट पंपिंग हो रही है नेगेटिव थॉट्स की, तो बेटर शिफ्ट आउट टू समथिंग पॉजिटिव, बेटर एंटरटेनमेंट, बेटर रीडिंग बुक्स, बेटर रीडिंग अदर लिटरेचर, और प्लेइंग, बच्चों को तो फिजिकल एक्टिविटीज में डालना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ टीवी, इट्स बेटर कि वो अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करें तो कुछ नॉलेज के लिए करें, पढ़ाई कर करें, या कुछ इसके अलावा को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहेगा, मगर उनके पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम होना चाहिए, और उसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको फिजिकली भी एक्टिव रखें जी, क्योंकि उनकी बाकी आउटिंग बंद हुई है, वैसे वो घर में आके बिल्कुल बंद हो गई उनकी एक्टिविटी, एंड कीपिंग इन माइंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमको यही चाहिए कि उनकी फ्यूचर हेल्थ को माइंड में रखते हुए फिजिकली एक्टिव रखें, जैसे ना तो उनका वेट बढ़े, ओबिसिटी जैसे मोटे बच्चे होते हैं वो वाली स्टेज ना आए, क्योंकि वो अपने आप एक बीमारी बन जाती है, कई और बीमारियों को जन्म देती है, तो बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखना, देन खाना पीना होममेड फूड, नॉट वेरी रिच इन फैट्स, नॉट वेरी रिच इन शुगर्स, वो दें जी, और इट शुड बी मोर ऑफ वेजिटेबल्स,
मोर ऑफ फ्रूट्स इफ पॉसिबल वेर एवर पॉसिबल एंड दैट इज ऑल। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। सर हमने दो अपने को वैक्सीन लगाया जी। हेलो हाँ जी, हाँ बताइए। सर हमने दो, हेलो सर बोलिए, अपना सवाल बोलिए और अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। वैक्सीन लगाया जी, उसके बाद बोला 42 दिन के बाद आना जी। हाँ ठीक है जी, हाँ बताइए आगे बताइए। उसके बाद हम दो बार गया उधर जी, कि दो बार हम गया उधर, दो बार तो आके वैक्सीन नहीं वहाँ पहुँचा जी। हेलो सर, हाँ बस समझ गया। ऐसा है, दो वैक्सीन के बीच में पहले हमने 4 हफ्ते का वक्फा रखा था, फिर अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो होगा, वो क्या है कि पहला वैक्सीन और दूसरा जो वैक्सीन है उनके बीच में जो पहले आपको 28 दिन का टाइम दिया था, फिर 6 हफ्ते का दिया, फिर 2 महीने का दिया, और अब हमने दिया है 12 हफ्ते का। आपको अगर 2 अप्रैल को लगा ना, अब आपको 25 जून को लगेगा। जब आप तब जाएंगे तो आपकी बारी आ जाएगी। अब आपका जो वैक्सीन है पहले वैक्सीन के 12 हफ्ते के बाद लगना है, 84 दिन के बाद, तो गिन के वो कोई 25 जून को आपकी बारी आएगी, तब लगवाइए, लगेगा जरूर जाइए। प्रॉब्लम मत होगा सर, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, फायदा ज्यादा होगा, वैक्सीन का फायदा आपको ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा। बिल्कुल, जैसे वैक्सीनेशन का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे हैं जिन्हें समझ अभी भी एग्जैक्टली क्लियर आउट नहीं हुआ, बट मोस्टली पीपल अब समझ चुके हैं कि समय जो है वो बढ़ा दिया। क्या होता है कि जब वो जाते हैं वो कहते हैं आज नहीं लगेगा, तो एक प्रिजम्पशन सी बन जाती है शायद वैक्सीन खत्म खत्म तो नहीं होगा, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि गाइडलाइंस में चेंजेस आ गई हैं, तो उन्होंने बोला होगा बाद में, तो कभी इंप्रेशन ऐसा बनता है कि शायद वैक्सीन के पास खत्म हो गया इसलिए आज नहीं लगा रहे, वो ऐसा नहीं है। टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट है, और जो पोर्टल पे उनकी जो ड्यू डेट है वो चेंज हो गई है जी, तो इसलिए इनको मुश्किल आ रही है। बट 12 हफ्ते का फॉर्मूला सबसे अच्छा है जी, कि जब एक लगेगा 12 हफ्ते के बाद दूसरा लगेगा। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ सर, डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। जी जी, आप बताइए अपना। हेलो, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ जी सर, मेरा नाम शौकत आमर है, श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी शौकत साहब बताइए। जी सर, सवाल बोलिए अपना। सर सवाल ये है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल और टीबी का लेवल हाई होगा, क्या वो वैक्सीन कर सकता है? बिल्कुल लगवा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। तो बिल्कुल, जैसे इन्हें सवाल था इनके मन में क्या लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल लगा सकते हैं जी। इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, क्योंकि जब पहली ड्राइव चली थी वहाँ पे 45 से जो अबो है, जो कोमोबिटीज है, उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर के साथ उनके पहला डोज जो है वो दिया गया, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो ग्रुप है ज्यादा बनने रहे पर, जिनको भी कोमोबिटीज मतलब कोविड के अलावा कोई और भी बीमारी हो सकती है, शरीर में एग्जिस्ट कर रही है कोई भी बीमारी, जैसे डायबिटीज है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीजेज है, अगर किसी को डायबिटीज आज भी रहेगी हमेशा कंट्रोल में रहेगी, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये ऐसा नहीं है कि 15 दिन में ठीक हो जाने वाली, ये लंबी चलती है, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट भी चलता है, और इनका ट्रीटमेंट और जो मॉनिटरिंग है वो रेगुलरली साथ साथ चलती है जी। तो ऐसे केसेस में अगर कोविड या कोई और भी इन्फेक्शन होती है तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने का थोड़ी देर के लिए डर होता है जी। इसलिए हम कहते हैं कि जिनको भी ये तकलीफें हैं वो थोड़े से वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, उनको तो पहले लगना चाहिए वैक्सीन, वो प्रायोरिटी में आते हैं जी। दूसरा, उनके भले के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा अपनी जो बीमारी है इसको कंट्रोल में रखें, उसके लिए जो मेडिसिन चल रही है, जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है और जो फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड है वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी मैडम, मुझे एक बात कहनी थी मैडम, जो कहते हैं जो वैक्सीन लगाना है आपको, उससे पॉलीमराइजेशन कम होती है। क्या होती है?
क्या हेलो मैडम जी, सवाल बोलिए सर फिर से अपना। हेलो, एक बार फिर से बोलिए प्लीज। हेलो, फर्टिलाइजेशन कम होती है वैक्सीनेशन लगाने से। हेलो मैडम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल ख्याल माइंड में। हाँ, वैक्सीन की वजह से जो मैं समझ गया, नहीं हाँ, इसका सेहत पे कोई असर नहीं होगा, और ये भी सब अफवाहें हैं, इन पे विश्वास ना करिए। फर्टिलिटी पे वैक्सीनेशन का कोई गलत असर नहीं होगा, ये कुछ अफवाहें फैली हैं, इन पे विश्वास ना करिए। बिल्कुल, जैसे अफवाहें जो हैं वो आए दिन देखने को मिल रही है, ना सिर्फ वैक्सीनेशन को लेकर, अगर हम कहें COVID-19 से रिकवर करने के भी काफ़ी सारे नुस्खे जो हैं वो व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं, फेसबुक पे मिल रहे हैं, कुछ जो है नाक में नींबू निचोड़ते हुए दिख रहे हैं, तेल डालते हुए दिख रहे हैं, वो कितने घातक है इस समय। चलिए वैक्सीनेशन को लेकर तो रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन घूमते हुए नजर आ रहे हैं, खुद से रिकमेंड करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जो नुस्खे लोग अपना रहे हैं वो कितने हार्मफुल। हार्मफुल ये कि इन चीज़ों का फायदा तो कोई नहीं, पहली बार फायदा कोई नहीं। दूसरा, अगर हम इन पे डिपेंड करने लग पड़े और सोचें कि ये एक अल्टरनेट मींस है ट्रीटमेंट का, तब ये घातक है। इसलिए इन चीज़ों पे विश्वास ना करें। वही मैंने कहा, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ रही हैं और जो उसकी बेसिस पे हॉस्पिटल्स में जैसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वही डिपेंडेबल है। ये नुस्खे, ये रामबाण वगैरह कुछ नहीं करेंगे जी। ये अगर नुकसान नहीं देते तो फ़ायदा भी नहीं देंगे जी। और इनको हम ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं मान सकते और ना ही ये हैं, इसलिए इन पर इस तरह से आँखें बंद करके विश्वास करना वो घातक है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। जी मैडम, मुझे एक कॉल है। जी बोलिए सर, सवाल बोलिए अपना। हेलो हेलो, तो बिल्कुल इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करने चाहिए, जहाँ सेल्फ मेडिकेशन की बात आती है वो भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम सर बात करते हैं, एक्सरसाइज इस समय हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर तो चलिए लॉकडाउन लगा है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ी सी ही स्पेस चाहिए होती है, आप बैठकर योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वो कितनी बेनिफिशियल रहेगी? वो बहुत बेनिफिशियल है। सिंपल्स कहा जाता है ना, हेल्दी बॉडी हार्बर्स ए हेल्दी माइंड। जैसे एक स्ट्रेस भी है इस बीमारी के कारण, तो जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो मेंटल स्ट्रेस भी आराम से कोप अप कर लेते हैं, दे रिमेन मोर चीयरफुल। एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपकी पूरी बॉडी की जो फिटनेस है वो भी मेंटेन रहती है जी। मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज ना करने की कहीं भी कोई भी रिकमेंडेशन है, एक्सरसाइज करने के एडवांटेज ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज कोई नहीं। और आजकल के माहौल में जैसे हमारी फिजिकल आउटिंग बिल्कुल नहीं, घर से बाहर नहीं जाना, ज़्यादा हमें जो डिग्री ऑफ एक्सरसाइज है बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल फिजिकल एक्टिव ज़्यादा रहने की जरूरत है हमको जी। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो 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 सर, अपना आप कहाँ से हैं? जी सर, अपना सवाल बोलिए। जी जी सर, पदुन सवाल बनियो, सवाल क्या छो तू हूँ? हार्ट की दवाई खाते हैं और भी तमाम दवाइयाँ खाते हैं, क्या आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए फिट केस बनता है आपका, और आपको वैक्सीनेशन करवानी है, जरूरी है आपके लिए वैक्सीनेशन करवाना, जरूरी है आपके लिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, और आपको कोई खतरा नहीं है वैक्सीन से। तो बिल्कुल जैसे इनका सवाल था, तो इनका जवाब यही है कि ये वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, फिट केस है वैक्सीनेशन के लिए, और इनको जरूरत भी है, और वैक्सीन इन पे इफेक्टिव भी रहेगा जी। तो बिल्कुल सर, वही एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है और एक्सरसाइज करनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय मोस्टली हमारी जो बॉडी है वो इस प्रकार से हो चुकी है, घर में खाना खाते हैं, सोते रहते हैं, मोस्टली फ़ोन हो गया या टेलीविज़न हो गया, मोस्टली लाइफ जो पूरा दिन है वो इस पे ही जा रहा है। तो कितना ज़रूरी एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट को रखना, और
अपना टाइम मैनेजमेंट घर में भी रखना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जब बाहर निकल रहे हैं तभी हम देखें, एक स्केड्यूल होना घर में भी बहुत जरूरी है कि इतने घंटे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, इतने घंटे हम बुक्स रीड कर लेते हैं, या इतने घंटे हम, बेशक सोशल डिस्टेंसिंग में ही है, बड़ों से कुछ अच्छी चीजें सीख सकते हैं। हाँ, ये सब उसी में आ गया ना जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। बिल्कुल, एक हमारी सेट रूटीन हो, हमको ये सब करना है तो करना है, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी से सबसे बड़ी, एक तो मैंने बोला कि मेंटल स्ट्रेस हमारा बड़ा ज़्यादा ईज होता है, बॉडी फिट रहती है, और जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है अगेंस्ट अदर डिजीजेज ऑल्सो वो भी स्ट्रांग रहती है अगर हम फिजिकली एक्टिव हों। जो फिजिकली एक्टिव नहीं है उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी रिलेटिवली कम रहती है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज फिजिकली एक्टिव। तो हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और एक सेट रूटीन होनी चाहिए हर काम के लिए। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, हर चीज का एक बैलेंस बना के वो हमको फॉलो करनी चाहिए रूटीन। बिल्कुल सर, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। मैडम एक ये अपना पहला हमने वैक्सीनेशन कराया ना जी। हेलो जी, हाँ बताइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल कंप्लीट करिए, सवाल बोलिए सर अपना। मैडम हेलो जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, अपना सवाल बोलिए। आ रही है मैडम जी, आ रही है, बोलिए सवाल बोलिए। मैडम हमारा वैक्सीनेशन जो है ना पिछले महीने हुआ है जी। हेलो, तो बिल्कुल लगता है इनके नेटवर्क जो है पूर्ण रूप से आ नहीं आ रहे। वैक्सीनेशन को लेकर मैं चाहूंगी आप फिर से एक और बार पूरा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। इनका जैसे वैक्सीन पिछले महीने लगा है, हो सकता है इनको भी जो डेट पहले दी गई हो बाद में चेंज हुई हो, तो वही बताना जरूरी है कि पहला वैक्सीन की डोज और दूसरे वैक्सीन, जो दूसरी डोज है वैक्सीन की, इनके बीच में जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके लिए जो वक्फा है, जो गैप दोनों के बीच में 12 हफ्ते का है। पहले वो 4 हफ्ते का था, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, इनको शायद उसी कोई डेट मिली होगी और अब इनको डेट नहीं मिल पा रही, यही कन्फ्यूजन होगी। तो 12 हफ्ते के बाद इनको जाना है कि 84 दिन के बाद जब ये जाएंगे तो इनका नाम वहाँ पे होगा। जी बिल्कुल सर, वही मैं एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो मैम जी, सवाल बोलिए सर अपना। सवाल बोलो जी। हेलो मैम, मैं अपना सवाल बोलूं? हाँ जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल बोलिए। मैडम एक मॉनिटर किनार एक वायरोलॉजिस्ट है फ्रांस का जी, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में लिखा है कि जो लोगों ने वैक्सीन ली है वो एंटीबॉडी पर मुनासर आएंगे और इसके अगर से वो मर जाएंगे, ये किस हद तक सही है? अभी तक इस खबर के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और इसको हम एक अफवाह मानते हैं। आप भी इसको एक अफवाह मानिए, इस पर बिल्कुल विश्वास न करिए। अभी तक की जो हमारी नॉलेज है वो यही कहती है कि ये वैक्सीन हम सब के लिए सेफ है, हम सब में इफेक्टिव रहेगा और हम सबको ये कोरोना इन्फेक्शन से बचाएगा। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी सारी क्वायरीज है जो कि अच्छी बात है। हाँ। चलिए देखिए, अगर एक साइड हम पॉजिटिव वे देख रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन के आ रहे हैं, वही बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कि अगर हमें ये तकलीफ है क्या हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं नहीं करा सकते, तो अच्छी बात है कि लोगों में आप इस चीज़ को लेकर डिग्री जो है बढ़ गई लेवल ऑफ अवेयरनेस काफी बढ़ा है। जी बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, तो ये को जी 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 कोविड जी 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 बोलिए सवाल जो अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी बात ये है कि जो आप वैक्सीन करवा रहे हैं ना इस वक्त जी, ये दो तरह की होते हैं, 45 अबो और 45 बिलो, क्या फर्क होता है? हाउ इज इट वर्क, कैसे काम करता है, बड़ों को कैसे काम करता है और अंडर 45 को कैसे काम करता है? देखिए वैक्सीन का काम करने का तरीका एक ही है, चाहे कोई 5 साल का बच्चा हो या 40 साल का आदमी हो या 60 साल का आदमी हो, वैक्सीन ने अपना ही काम करना है, अपने ही एक ही तरीके से काम करना है, वो सभी को फायदा देगा। सिर्फ हमारे यहाँ जो हमने प्रायोरिटाइज किया था कि पहले हम किस एज ग्रुप को वैक्सीन लगाएंगे उसके बाद दूसरे एज ग्रुप को लगाएंगे, तो जो 45 से ऊपर का एज ग्रुप है उसको 45 से यंगर एज ग्रुप से ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है कि उनमें बीमारी का रिस्क ज्यादा है। जी हाँ बिल्कुल इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है ये।
और क्योंकि जब हमने जो ओल्डर एज ग्रुप था उनको जब कवर कर लिया तो फिर हम 45 से नीचे के एज ग्रुप को भी कवर करना शुरू किया है। जैसे इनका सवाल है क्या कोई अंतर है इन दोनों वैक्सीन में, या हम कह सकते हैं कि कोविड शील्ड ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन? दोनों बराबर के इफेक्टिव है, सिर्फ बात है कि सप्लाई में सबसे पहले हमारे पास कौन सा पहुंचा, ये यूज करें या वो करें जी। मगर अगर हमने किसी को एक डोज कोविशील्ड की दी है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की लगेगी, पहली डोज कोवैक्सीन की, दूसरी भी वही लगेगी। तो हुआ क्या था, पहले हमने कोविशील्ड ही स्टार्ट किया है जी। तो अपर एज ग्रुप में वही चल रहा है जी। अब जब से 1845 के एज ग्रुप में भी किया तो कोवैक्सीन वैक्सीन भी आ गई जी। तो उसको रखा गया कि ठीक है हम ये वाला वैक्सीन इस एज ग्रुप में देते हैं। अदरवाइज दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ दोनों वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट लाइन्स पे हुई है। तो जिसको एक लगा है कोवैक्सीन का या सॉरी जो भी लगा कोविशील्ड का, दोनों में से कोई भी होगा, सेकंड डोज भी सेम नाम की लग गई है और फर्क नहीं है जी। ऐसे दोनों नहीं इक्वली इफेक्टिव है, दोनों इक्वली इफेक्टिव है, दोनों आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाँ। सिर्फ इसमें खास ध्यान रखने वाली बात है अगर आपने पहले कोवैक्सीन लगाई है बाद डोज कोवैक्सीन लगेगी वो कोवैक्सीन का होना चाहिए, ये चीज का फर्क। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल लेते। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए अपना जी, अपना सवाल बोलिए मैम। मैडम इस नंबर से कॉल आया था मुझे। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर ये भी आपको पता होना चाहिए या अंतराल जो है वो बढ़ा दिया गया है, उसी के साथ साथ बात करते हैं पानी जो है, पानी की हम बात करते हैं, डिहाइड्रेशन भी काफी लोगों को होता है और इस समय समर्स जो है गर्मियों का जो दिन है वो आना शुरू हो गया जी। ऐसे भी हम चाहे कोविड हो या ना हो उसमें भी हम ये कहते हैं पानी जितना हो पानी ज्यादा पीना वो पी लीजिए। तो इस समय भी हम कह सकते हैं पानी का उसी तरीके से सेवन करिए, इसमें कोई कुछ देखने को नहीं है। या क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ये भी सवाल उठाते हैं कि ओवर पानी पीने से, ज्यादा पानी पीने से, या टाइम एक निर्धारित होना चाहिए कि खाना खाने से पहले कितने समय पहले पीना है या बाद में कितने समय पीना है। क्योंकि मोस्टली आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि लोग वहाँ ये तो सुनते हैं कि आप एक दिन में 4 बोतल पानी पीजिए, 8 बोतल पानी पीजिए, लेकिन पानी को पीने का भी एक समय होता है। जब प्यास लगे पानी पीना चाहिए, ठीक है। जब आप गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो घर से पानी पी के जाइए जी, या अपने साथ भी पानी लेके जाइए। और खाना खाने के साथ पानी की ये टाइमिंग होती है कि खाने के साथ पानी का सेवन कम किया जाए, आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। कोशिश करनी चाहिए कि खाने के साथ पानी ना पिया जाए, खाना खाने के आधे घंटे के बाद पिया जाए। पर कईयों को होता कि वो नहीं रुक पाते, बीच खाने के साथ भी पानी पीते हैं, इतने रिस्ट्रिक्शन की बात भी नहीं है जी। बाकी गर्मी के मौसम में पानी बार बार पीना चाहिए जी। और जब प्यास लगे पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। फिर गर्म और ठंडे का जो है, अब मौसम ऐसा गर्मी का हो गया तो हम गर्म पानी भी कितना कोई पिएगा, हम हर किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। किसी को गले में कोई तकलीफ है, खांसी जुकाम वगैरह, उसको हम बोलेंगे कि ठीक है बहुत ठंडा पानी ना पीजिए। गर्म इस मौसम में गर्म पानी पीने का भी कहना थोड़ा मुश्किल है, फॉलो करना भी मुश्किल है। कहना तो बड़ा आसान हो जाता है, फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। सो ये कि फ्रिज का जो बड़ा ठंडा आइस कोल्ड वाटर है वो अवॉइड किया जाए, या हम कह सकते आइस क्यूब्स जो है वो ना डालें, वो बहुत ठंडा पानी नहीं दे उसको और दूसरे रूम टेम्परेचर के पानी को मिक्स कर लें तो गर्म तो पीना जरा मुश्किल हो जाए। जो पी सके ठीक है जी। पर इतना आसान नहीं है फॉलो करना। और आजकल पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है तो गर्म पानी कितनी देर को पिएगा। तो रिलीफ के लिए आपको ठंडा ही चाहिए। यस, बहुत आइस कोल्ड, बहुत चिल्ड वाटर अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। मैडम हमने जो पहला वैक्सीनेशन लगवाया था ना जी, हेलो हाँ जी बोलिए आगे। मैडम जो वैक्सीनेशन लगवाया था हमने पहले मार्च अप्रैल के जी, हेलो हाँ जी सर आगे बोलिए। मार्च और अप्रैल के महीने में आपने पहला वैक्सीनेशन लगाया था, अब आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा जो वैक्सीनेशन है उसकी डेट नहीं मिल रही है, उसका SMS वगैरह नहीं प्रोसीजर है आप लोगों का, वो हम आपको बताते हैं कि जो पहले दो वैक्सीन की डोजेस में जो वक्फा था ना 28 दिन का था, फिर वो बढ़ा दिया गया, अब वो 84 दिन का वक्फा है। तो आपको अकॉर्डिंगली आपको SMS आएगा। 84 दिन का मतलब है जब आपने पहला वैक्सीन लगाया उसके 12 हफ्ते के बाद।
ठीक है, तब उसके आसपास आपको कोई जून महीने में आपकी बारी आएगी तो आपको उससे पहले SMS आ जाएगा। तो बिल्कुल जो वैक्सीनेशन अलर्ट है, जितना हमें इस बारे में नॉलेज है कि आप जब अपना कोविड कोवैक्सीन पे जाके या कोविन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर हो जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे आपको SMS जो है वो आ जाता है कि कब आपका सेकेंड डोज है। 1845 का जो ग्रुप है उसमें उनको स्लॉट के लिए फिर से एक बार पोर्टल पे जाना पड़ता है। बाकी जो अबव 45 का स्लॉट है जो एज ग्रुप है उनका तो रूटीन में चल ही रहा है, उनको तो पता ही कि 84 डेज पे फिर SMS आ जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो सर बिल्कुल वही बात करते हैं जिस तरीके से मास्क की हमने बात की, एक्सरसाइज की बात की, और वही हमने बात की किस तरीके से तमाम एहतियातों को बरतना है। वही अगर बात करते हैं जो होम आइसोलेशन में इस समय पेशेंट्स हैं जो सेपरेट में है, उन्हें किस प्रकार के एहतियात बरतने हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जब फैमिली मेम्बर उन्हें खाना देने के लिए आ रहे हैं या तमाम उनकी जो चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, क्या पहले ही उन चीज़ों को आप सेपरेट कर लीजिए या उनके रूम में उन्हें सब देना चाहिए कि उन्हें बार बार अपने रूम से बाहर ना आना पड़े? उनको तो बाहर नहीं आने देना जी। पहली बार उनको बाहर नहीं आने देना, उनको कुछ भी देना है उनके दरवाजे के बाहर एक छोटी सी टेबल रख देनी चाहिए जी, और जो भी सामान उनको देना उसी पर रख दिया जाए और हट जाइए, वो दरवाज़ा खोले सामान उठा के अंदर ले लें जी, ठीक है। और उनके कमरे के अंदर जो भी चीज़ है उसको पोटेंशियली कंटेमिनेटेड ही माना जाए, जैसे उनके कमरे से कोई भी चीज़ बाहर ना आए जी। जैसे उनके खाने की प्लेट भी है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, वो फिर क्योंकि होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा सिक नहीं है जी, वो अपनी प्लेट वगैरह खुद ही साफ़ करें, अपने कपड़ों को भी खुद ही धोएं और अपने कमरे की जो सैनिटेशन है सैनिटाइजेशन क्लीनिंग है वो भी खुद करें, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉसिबल है करें, अगर कमरे में बर्तन वगैरह साफ नहीं, जरूरी नहीं हर किसी के रूम के साथ वॉशरूम भी हो, उनके केस में प्रेफरेबली डिस्पोजेबल प्लेट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए और उनके पास एक गार्बेज बैग होना चाहिए जिसके अंदर डिस्पोज प्लेट जो यूज प्लेट्स को डाल के पैक करते जाएं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है जी। प्लेट्स के मामले में और कोई भी चीज़ उनके कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए, जैसे कपड़े ही हैं उन्होंने धोने हैं कुछ नहीं धो सकते अंदर, तो एक टब होना चाहिए डिटर्जेंट वाला उनके पास भरा हुआ, वो अपने कपड़े उसमें डाल दें और 2 घंटे के बाद वो टब को बाहर सरका दें। एटलीस्ट जब बाहर चीज़ निकालनी है तो डीकंटेमिनेटेड होनी चाहिए, तो उसमें उनके पास एंटीसेप्टिक्स भी हों, डिटर्जेंट भी हो जिसमें कपड़े भिगो रखे हों और फिर बाद में वो सैनिटाइज करके उसके किनारों को फिर बाहर निकाल जी, कुछ ये इम्प्रोवाइज किया जा सकता है लोकल लेवल पे, जिस तरह के हालात हो वैसी एडजस्टमेंट की जा सकती है जी बिल्कुल। इसमें ये बात निकल कर आती है कि जो पेशेंट है वो अपने रूम में ही रहे ज्यादा अच्छा है जी, हाँ, बाहर ना आए, बाहर नहीं आए। आइसोलेशन का मतलब है कि आपको अलग कर दिया घर से, तो 14 दिन 15 दिन या 10 दिन जितने भी रहना है आपने अलग ही रहना है, आपने बाहर नहीं आना। बाहर आने का मतलब है कि आप तो इन्फेक्टेड हैं, आप 15 मिनट के लिए भी बाहर आए आपने बाकियों को एक्सपोजर दे दिया, बिल्कुल। तो वही एक्सपोजर बचाने के लिए तो सारी जो एक्सरसाइज हो रही है आइसोलेशन की, पेशेंट को बाहर नहीं आना जी बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है इन सब तमाम एहतियातों को बरते। तो वही सर तमाम कॉल्स भी आई वैक्सीनेशन को लेकर, तो देखने वाली बात है कि लोगों का रुझान जो है वैक्सीनेशन को लेकर बहुत हो चुका है, जानना चाहते हैं और डोज को लेकर जो एक गैप पीरियड आया है उसको भी समझना चाहते हैं, तो वही उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन है पर मोस्टली मैंने देखा सभी के कंफ्यूजन क्लियर हो चुके। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वही समय हो चुका है अब अलविदा लेने का सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही सर मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है अमूल हैप्पी ट्रीट्स।